अभी हम बिहार शरीफ के मछली मार्केट के पास मौजूद हैं, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में हुए पूर्ण लॉकडाउन के बाद जहां पूरा बाज़ार में सन्नाटा छाया हुआ है, तो अभी हम आपको दिखा दें कि यहां पे पहले मछली की दुकानें लगा करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहां पे दुकानें नहीं लग रही है और हर वक्त सन्नाटा सा छाया रह रहा है। ये रास्ता आपको बताते चलें कि ये रास्ता आपको चला गया है यहाँ पे V2 मॉल के पास, और आपको इधर दिखा दें कि ये रास्ता आपको चला गया है बिहार शरीफ के बस स्टैंड के पास। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों का हमेशा भीड़ लगा रहता था और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन आलम आज ये है कि ज़रूरत के तहत ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और आपको भी दिखाते चले कि यहाँ पे आप इधर से पुल पर निकल सकते हैं, ये भराव आगे भराव पर चौराहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं किस काम से निकली हैं और किस लिए निकली हैं। बैंक से पैसा निकालने के लिए। क्यों निकली हैं मैडम आप घर से? बोलो ना। पैसा निकालने के लिए जी। आप सिर्फ जानना चाहेंगे कि आप कहाँ जा रही हैं? मैं यही पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं। बैंक जा रही हैं जी। हाँ, ये बैंक जा रही ब्रांच। पैसा नहीं निकल रहा है वहाँ पर से, तो यहाँ तो फोटो कर लेते हैं। नहीं, रिक्शा चल रहा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जनाब कहाँ जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं सर? बैंक गए थे पैसा निकालने के लिए। हाँ, तो पैसा निकल गया क्या? पैसा निकल गया जी। पैसा निकल गया बैंक से, अब वापस जा रहे हैं। तो आप पैदल क्यों जा रहे हैं? रिक्शा कर लेते हैं? नहीं, मोटरसाइकिल से हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल से हैं। तो हेलमेट नहीं लगाए आप? हेलमेट है। गाड़ी पर बैठे गाड़ी पर आएगा है ना? गाड़ी पर बैठे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम खान। ठीक है, तो आप जाइए। देख सकते हैं यहाँ पे कि आज शहर में बस वही लोग निकले हैं ज़रूरत के तहत, जिन्हें कोई ज़रूरी काम हो या बैंक का काम हो या फिर डॉक्टर के यहाँ जाना हो, वैसे ही लोग घर से आज बाहर निकले हैं। कहाँ जा रही हैं? हम लोग बैंक जा रहे हैं, पैसा निकालने के लिए ज़रूरत है, सामान खरीदना है खाने पीने का, इसी के लिए बैंक जा रही हूँ लाने के लिए पैसा निकालने। तो टोटो रिक्शा से चली जाती, पैदल क्यों जा रही है? नहीं ना, चल रहा है टोटो रिक्शा, नहीं चल रहा, इसी वजह से पैदल ही जा रहे हैं। और फिर प्रशासन का भी ऑर्डर है, एक एक करके आगे पीछे जा, यानी कि मिला जुला के माना जाए तो आप प्रशासन का पूर्ण रूप सर के प्रशासन का सहयोग कर रही हैं, उनके बातों का पालन कर रही हैं। हाँ, कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? इरफाना परवीन।